हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम। यहाँ पे एटीएस के बारे में जानेंगे, जिसको ऑलमोस्ट 60 इयर्स अब हो चुके हैं, कि ये सिस्टम क्या है। देखिए, एंटार्क्टिक जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसको कौन कंट्रोल करता है ये हम जानेंगे। मेरे साथ क्वेरीज और अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है, मेंस पेपर वन क्लाइमेट चेंज में ये टॉपिक आपका कवर होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पर इस ट्रीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और सब्जेक्टिव लेवल पर कि एंटार्क्टिका में क्लाइमेट चेंज जो है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करें। ओके, उससे पहले मैं यहाँ पे आपको मैप में भी दिखा दूँ। देखिए, ये जो रीजन है ये आपका वर्ल्ड मैप पे ग्लोब में एंटार्क्टिका का रीजन है, साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको और जूम करके देखें तो ये आपका एंटार्क्टिका है। तो इस रीजन की हम बात कर रहे हैं कि इसको कौन कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ की कोई भी नेटिव पॉपुलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह की कुछ लोग नेटिव होते हैं जो शुरू से वहीं पे रहे हैं, इंडिजीनियस लोग रहते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में ऐसा नहीं है। इसलिए ये ट्रीटी इसको गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं लास्ट ईयर से कंपेयर अगर करें हम, कि 40% टूरिस्ट इंक्रीज जो हुआ है एंटार्क्टिका में, जो कभी भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। लाइक 80,000 लोग हर साल जो है इस कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं, इसको विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस साल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये नंबर 80,000 तक पहुँच जाएगा, रिपोर्ट्स ऐसा बोल रही हैं। अब देखिए, अगर टूरिज्म एंटार्क्टिका में हो रहा है तो इस टूरिज्म को कौन रेगुलेट करता है, कौन देखता है? तो देखिए, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इस कॉन्टिनेंट पे होती हैं एंटार्क्टिका पे, इसको एंटार्क्टिक ट्रीटी के तहत रेगुलेट किया जाता है। ये जो ट्रीटी है इसको साइन किया गया था 1960 में, और देखिए 1960 में ये ट्रीटी साइन हो गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट फाइनली फोर्स में कब आई, 1961 में। और आज करेंटली, आज के समय पे बात करें तो 54 पार्टीज हैं इस ट्रीटी की, और इंडिया ने ये ट्रीटी का सिग्नेटरी हम लोग कब बने थे, 1983 में। सीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इंडिया वाला पार्ट याद रखना है कि हम कब इसके सिग्नेटरी बने। अब देखिए, इस ट्रीटी सिस्टम के लिए एंटार्क्टिका को डिफाइन भी किया गया कि जितना लैंड और आइस शेल्फ है साउथ ऑफ, इसको आप याद रख सकते हैं, साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, वो एरिया ये कवर करता है। और यहाँ पे इस ट्रीटी के तहत एंटार्क्टिका को एक साइंटिफिक प्रिजर्व माना गया है। यहाँ पे कोई भी कंट्री जाके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का फ्रीडम है, कोई भी जाके साइंटिफिक चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर सकती है। ऊपर से यहाँ पे किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटी को बैन किया गया है। इस ट्रीटी के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको मैं आपको डिटेल में एक क्रक्स के रूप में उसको बताऊंगी। तो यहाँ पे कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी कोई भी देश नहीं कर सकता इस कॉन्टिनेंट में। तो इस ट्रीटी का फर्स्ट आर्म कंट्रोल अग्रीमेंट था, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था किस समय पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे। और उसके बाद सितंबर 2004 के बाद से एंटार्क्टिक ट्रीटी सेक्रेटरिएट या हेडक्वार्टर्स जो हैं उनको अर्जेंटीना में ब्यूनोस एरेस में बनाया गया है। यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ इस जगह का जहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और ये चीज़ डिसाइड की गई है 2004 में। अब हम टूरिज्म को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, तो जो टूरिज्म है एंटार्क्टिका में ये ऑलमोस्ट शुरू हो गया था आपका 1950 में। अब 1950s में कुछ अब फ्यू हंड्रेड, कुछ सौ लोग जो थे यहाँ पे विजिट करते थे हर साल। और फिर 2015-16 का डेटा अगर हम देखें तो एक साल में 38,000 से भी ज़्यादा लोगों ने एंटार्क्टिका विजिट किया है। वर्किंग विद द मैकेनिज्म, इस ट्रीटी के साथ काम करते करते देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एंटार्क्टिका टूर ऑपरेटर्स, ये एक बॉडी है, 1991 में इसका संगठन हुआ। 7 टूर ऑपरेटर्स थे जो कि सेफ और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल एंटार्क्टिका का रेगुलेट करते हैं, उसको देखते हैं ताकि ह्यूमन इम्पैक्ट वहाँ पर ना पड़े, यानी नेगेटिव ह्यूमन इम्पैक्ट कि पल्यूशन हो रही है या कोई भी इम्पैक्ट इस तरह का कॉन्टिनेंट पर ना पड़े। तो ये बॉडी 1991 में इसका संगठन हुआ, ये इस चीज़ की देखरेख करती है। और जो भी टूरिज्म एंटार्क्टिका में होता है वो IAATO या IAATO है, इसके बैनर के अंदर कंडक्ट किया जाता है ताकि कोई भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रीजन पे ना पड़े, इसलिए इसके रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाए गए हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ वो रूल्स और गाइडलाइंस हैं कि जो टूरिस्ट यहाँ पे जा रहे हैं उनको किन चीज़ों से सावधानी रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है।
लेकिन फिर भी अंटार्कटिका में कुछ चेंजेस जो हैं वो हमको नज़र आ रही हैं। सितंबर की एक रिपोर्ट है ओशंस पे, जिसको रिलीज़ किया है आईपीसीसी ने, और यहाँ पे बात हो रही है 2006 और 2015 के बीच के समय की। और यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि अंटार्कटिक की जो आइस शीट है, ऑलमोस्ट 155 बिलियन टन जो मास है वो पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है एवरेज, मतलब हर साल अगर हम बात करें तो इतना मास अंटार्कटिका आइस शीट लूज कर रही है, खो रही है। और देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर आइस मेल्ट होगी अंटार्कटिका से तो सी लेवल जो है हमारे वो राइज कर रहे हैं। देखिए मेन सोर्सेज जो है अंटार्कटिका पे इन्वायरमेंटल डैमेज के, ये जो कॉन्टिनेंट में डैमेज हो रही है, प्लैनेट वाइड इम्पैक्ट्स जो हैं वो किन किन रीज़न की वजह से हैं। एक तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसके बाद ओजोन लेयर जो आपकी डिप्लीट हो रही है, उसके बाद फिशिंग करते हैं लोग वहाँ जाके, हंटिंग होती है वेल्स और सील्स की, ये भी इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके बाद जो इतने सारे विजिटर्स वहाँ पे जा रहे हैं, इन विजिटर्स का भी इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ रहा है। इनफैक्ट साइंटिस्ट का भी और टूरिस्ट का भी इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट अंटार्कटिका पे देखने को मिलता है। तो ये इस ट्रीटी की एक कंक्लूजन, एक का क्रक्स मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे अब हम बात करेंगे, जो मैंने बताया कि इस ट्रीटी पे एक बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं जो इसको गवर्न करते हैं, वो आर्टिकल्स इन शॉर्ट किस चीज़ के बारे में बात करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, ये जब ट्रीटी शुरू हुई थी तब इनिशियली सिर्फ 12 देश थे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था अंटार्कटिका में, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका और उस टाइम पे सोवियत यूनियन और यूके, सोवियत यूनियन आज तो टूट चुकी है, उस टाइम पे सोवियत यूनियन थी, और ऑब्वियसली उसके बाद आपका यूएस। और इन देशों ने ऑलमोस्ट 55 एंटार्कटिक स्टेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं। और ये ट्रीटी अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस पूछें तो इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि हमको यहाँ पे विभिन्न देशों के बीच में ऑपरेशनल और साइंटिफिक कोऑपरेशन देखने को मिलता है, कि हम आइस पे एटलीस्ट साइंटिफिक कोऑपरेशन जो है वो पीसफुल तरीके से अलग अलग देशों के बीच में अचीव कर सकते हैं। अब देखिए इस इनके आर्टिकल्स में क्या क्या कहा गया है, कि जो अंटार्कटिका का लैंड है इसको पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, कोई भी काम मिलिट्री से रिलेटेड या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री बेसिस की यहाँ पे नहीं की जाएगी, कोई भी वेपन टेस्टिंग यहाँ पे नहीं की जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली ये जो ट्रीटी है, अगर कोई मिलिट्री पर्सनल या इक्विपमेंट साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ हो रहा है या किसी और पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ये उसको प्रिवेंट नहीं करती, ओके? लेकिन पीसफुल पर्पज़ यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद देखिए आर्टिकल 2 में इसके क्या बोलता है, कि यहाँ पे फ्रीडम है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का, कि कोई भी देश आके यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन जो कि साइंस से रिलेटेड है वो करना चाहता है तो वो आ सकता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल 3 इसके बारे में क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की गई है, कि जो भी साइंटिफिक प्रोग्राम्स हैं अंटार्कटिका में वो एक्सचेंज, जो इकोनॉमी और एफिशिएंसी जो है ऑपरेशंस की उसको बढ़ाने के लिए एक्सचेंज किए जा सकते हैं, जो अलग अलग देशों के स्टेशंस हैं, एक्सपेडिशंस हैं, उनके बीच में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है। और जितनी भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स अंटार्कटिका से कलेक्ट किए जाएंगे उनको फ्रीली अवेलेबल करना है और एक्सचेंज करना है, राइट? यानी यहाँ पे साइंस को और साइंटिफिक रिसर्च को जो अंटार्कटिका से रिजल्ट आएंगे उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि कोई भी देश आके यहाँ पे क्लेम सोवरनिटी या टेरिटोरियल सोवरनिटी का क्लेम नहीं कर सकता, कि ये हमसे बिलोंग करता है एरिया, यहाँ पे दूसरा देश वाला क्यों आ रहा है, इस तरीके का कोई काम अंटार्कटिका में नहीं होगा, कोई क्लेम इस पे वर्क नहीं करेगा। उसके बाद बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिस तरह से न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है, तो कल को कोई देश ये ना सोचे कि हम अपने लैंड पे न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेंगे, अंटार्कटिका में जाके करते, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। या फिर जो न्यूक्लियर वेस्ट है या आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो भी अंटार्कटिका में जाके आप उसको डंप नहीं कर सकते, ये सब प्रोहिबिटेड है इस ट्रीटी के अंदर। और जितने भी प्रोविजन हैं, ये जो प्रेजेंट डे ट्रीटी है, ये कितने एरिया पे अप्लाई होगी, साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यहाँ पे जितनी भी आइस शेल्स हैं उनको इंक्लूड करते हुए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और जितने भी स्टेशंस या इंस्टॉलेशंस या इक्विपमेंट्स अंटार्कटिका में यूज हो रहे हैं उनको हर देश ने ओपन रखना है, उनकी इंस्पेक्शन कभी भी हो सकती है, क्योंकि ये ना हो कि कल वहाँ पे कोई इस तरह का रिसर्च प्रोग्राम चल रहा हो जो बाकी देशों के लिए हार्मफुल हो, तो वहाँ पे इंस्पेक्शन जो है उसके लिए ये सेंटर्स जो हैं वो हमेशा खुले रहेंगे।
अब देखिए, इस ट्रीटी के अंदर बहुत सारी और बायलेटरल ट्रीटीज़ भी हैं अलग अलग देशों के बीच में, जहाँ पे किस तरह से नोट्स एक्सचेंज होंगे. जैसे कुछ ट्रीटीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक के बीच में हैं, जो कि मैरीटाइम एरिया से रिलेटेड हैं. और यहाँ पे जो मीटिंग्स की बात है, तो एंटार्क्टिका ट्रीटी सिस्टम, ये हर साल इसकी मीटिंग्स होती हैं इंटरनेशनल फोरम पे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को लेके. लेकिन जैसे मैंने बताया, 54 पार्टीज़ हैं इस ट्रीटी की, लेकिन उनमें से सिर्फ 29 ऐसी हैं जो जिनके पास ये हक है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकती हैं इस मीटिंग में. लेकिन बाकी की जो 25 हैं, ऑब्वियसली वो अटेंड कर सकती हैं मीटिंग, लेकिन डिसीजन नहीं ले सकती. सिर्फ 29 पार्टीज़ ऐसी हैं जो कि डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो सकती हैं. और देखिए, इन 29 में जो डिसीजन लेती हैं, 12 तो वो देश हैं जिनके नाम मैंने आपको बताया, जो ओरिजिनली जो इसके सिग्नेटरीज थे, जिन्होंने ये शुरू किया था. और बाकी 17 कंट्रीज वो हैं जिन्होंने एंटार्क्टिका में अपना एक अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है और एक सब्सटैंशियल साइंटिफिक एक्टिविटी जो है वहाँ पे करके दिखाई है. इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि एंटार्क्टिक ट्रीटी सेक्रेटेरिएट जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया है अर्जेंटीना में सितंबर 2004 में. ये भी आपके MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. और यहाँ पे इनके सेक्रेटरी का, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का नाम दिया गया है. देखिए, आज तक की ये जो ट्रीटी है, एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटी है. देखिए, दुनिया में बहुत कम जगहें हैं जहाँ पे कभी वॉर नहीं हुई, जहाँ का इन्वायरमेंट टोटली प्रोटेक्टेड है, जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च प्रायोरिटी है. तो ये आप एंटार्क्टिका को इस तरीके से देख सकते हैं. अब बैकग्राउंड की अगर इसकी बात करें, तो एंटार्क्टिका जो है एक बहुत ही वास्ट कॉन्टिनेंट है. साउथ पोल पे परमानेंट आइस और स्नो रहती है. सिर्फ 2% ही एंटार्क्टिका का रीजन ऐसा होगा जहाँ पे बर्फ नहीं है, फ्री ऑफ आइस. वेदर की बात करें, तो बहुत ही यहाँ पे टफ वेदर रहता है. डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन एंटार्क्टिका की बात करें, तो यहाँ पे रिमोट से रिमोट एरिया में भी जो डिस्कवरीज हैं, रिसर्च जो है वो चल रही है. तो यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स मैंने इसके डिस्कस किए कि क्या क्या एंटार्क्टिका में हो सकता है, जो कि अग्रीमेंट है, तो उसको अगर आपने एक शॉर्ट फॉर्म में बोलना है, तो आप क्या बोल सकते हैं? साइंटिफिक कोऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, इन्वायरमेंट को एंटार्क्टिका के प्रोटेक्ट करने के लिए काम चल रहा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स को वहाँ के प्रोटेक्ट कैसे करना है, कंजर्व कैसे करना है, हिस्टोरिक साइट्स पे बात होती है, टूरिज्म भी आप देखें तो एंटार्क्टिका में बिल्कुल है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है यहाँ पे विभिन्न जो बाकी देश हैं उनके बीच में हो रहा है, लॉजिस्टिक कोऑपरेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन भी है और सेफ्टी भी है. इससे बढ़िया जगह अर्थ पे, ग्लोब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी. तो देखिए, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे, जैसे कि स्कार करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है. इसका नाम है साइंटिफिक कमिटी ऑन एंटार्क्टिक रिसर्च, ये एंटार्क्टिक रिसर्च के जो प्रोग्राम्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है और साइंटिफिक कोऑपरेशन में बहुत ज़्यादा एनकरेज करती है. इसके बहुत सारे सबॉर्डिनेट ग्रुप्स भी हैं. उसके बाद देखिए, एक और यहाँ पे है कॉमनैप. कॉमनैप क्या है? काउंसिल ऑफ मैनेजर्स ऑफ नेशनल एंटार्क्टिक प्रोग्राम्स. यहाँ पे जो हेड्स हैं नेशनल एंटार्क्टिक ऑपरेटिंग एजेंसीज के, उनकी एनुअली मीटिंग होती है लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन को लेकर. उसके बाद यहाँ पे कोऑपरेशन और डेवलपमेंट पे बात की जाती है. तो मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस ट्रीटी के अंदर ही बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं. इसीलिए ये ट्रीटी आज तक की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी रही है. तो देखिए, इस ट्रीटी में क्या कहा गया कि अगर जो भी इसके मेम्बर्स हैं उनको कभी लगता है कि एक रिव्यू कॉन्फ्रेंस इस ट्रीटी को लेके होनी चाहिए, लेकिन वो 30 ईयर्स के बाद ही हो पाएगी, जैसे 30 ईयर्स एक्सपायर होंगे. तो 30 ईयर्स इसको 1991 में हुए, तो भी कोई भी देश सामने नहीं आया. उल्टा सभी ने यही डिसाइड किया कि हमको मिलके इस ट्रीटी को और भी सक्सेसफुल बनाना है और साइंटिफिक वैल्यूज की तरफ रिसर्च जो है उसको आगे बढ़ाना है. इस ट्रीटी के अंदर जितनी भी पार्टीज हैं उन्होंने पीसफुली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया है. साइंटिफिक रिसर्च आप देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चल रही है, जिसने अर्थ के नॉलेज की तरफ और भी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है. तो देखिए, एंटार्क्टिका से ही एक एग्जांपल अगर साइंटिफिक रिसर्च की मैं आपको दूं, तो यहीं से हमको पता चला था कि जो सीजनल डिप्लीशन है एटमॉस्फेयर में, ओजोन जो एंटार्क्टिका के ऊपर है, कभी वो कम हो जाता है, सीजनल डिप्लीशन उसकी होती है. ये डिस्कवरी यहीं से हुई थी. अगर हम इन्वायरमेंटल रिजीम की बात भी करें, तो ये ट्रीटी खुद में ही बहुत यूनिक है. पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो अनडिस्टर्ब्ड है, प्रोटेक्टेड है,
और जो कमिटमेंट है और कोऑपरेशन है ट्रीटी पार्टीज की, वो हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें, एंटार्क्टिका ट्रीटी और इंडिया का क्या रोल है यहाँ पे, अभी इंडिया भी खुद से ड्राफ्ट कर रहा है एंटार्क्टिका पॉलिसी लॉज, ताकि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं हमारी एक्टिविटी के, वो रीजन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना छोड़े। जैसे दक्षिण गंगोत्री है, हमने वो देखा काफ़ी वीक हो गया और सिर्फ एक सप्लाई बेस बन के रह गया है। तो एक कमेटी अब बनाई गई है जहाँ पे बिमिन पटेल जो हैं वाइस चांसलर गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, उनको कहा गया है एंटार्क्टिका के लिए एक लॉ ड्राफ्ट किया जाए। तो देखिए, इंडिया की अगर हम हिस्ट्री देखें एंटार्क्टिका के साथ कब से जुड़ी हुई है, जो इंडियन मिशन है एंटार्क्टिका के लिए उनको हम ट्रेस कर सकते हैं, जो हमारे जॉइंट प्रोजेक्ट शुरू हुए थे इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो के बीच में, और उसके बाद हाइड्रोमेट्रियोलॉजिकल सेंटर जो रशिया के साथ हमारा अग्रीमेंट है, इसके बाद जो इंडियंस हैं जैसे कि डॉक्टर परमजीत सिंह सेहरा, उन्होंने 17 सोवियत एंटार्क्टिक एक्सपेडिशन जो है 1971 और 73 के बीच में जो हुआ उसको ज्वाइन किया, और जैसे मैंने बताया कि हम इसका पार्ट 1983 में बने थे। स्पेसिफिकली पूरी डेट बताऊं तो 1 अगस्त 1983। और यहाँ पे मैं आपको ये लेक्चर एंड करने से पहले भारत के जो रिसर्च स्टेशंस हैं उनके बारे में बता दूं। एक तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया दक्षिण गंगोत्री, ये हमारा फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट था, इसको 1983 में वहाँ पे बनाया गया था दक्षिण गंगोत्री, लेकिन 1981 में बाद इसको हम सिर्फ एक सप्लाई बेस और ट्रांजिट कैंप की तरह यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारी सेटलमेंट थी वहाँ पे मैत्री करके, मैत्री सेकेंड परमानेंट सेटलमेंट थी, इसको 1989 में वहाँ पे बनाया गया, और वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जियोलॉजी को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर और मेडिसिन को लेकर वहाँ पे चल रहे हैं। ये जो स्टेशन है फ्रेश वाटर के पास बनाया गया, उस लेक का नाम है प्रियदर्शनी। उसके बाद थर्ड हमारा जो स्टेशन यहाँ पे बनाया गया वो है भारती, ये 2015 में वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, सबसे लेटेस्ट न्यूएस्ट रिसर्च स्टेशन है ओशनोग्राफिक रिसर्च के लिए, और यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा कि कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप जो है वो कैसे हो रहा है। यहाँ पे 120 मिलियन ईयर ओल्ड एंशियंट हिस्ट्री जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उस पर रिसर्च चल रही है, और न्यूज़ में भी जो सोर्सेज हैं उनको अलग अलग, ये जो भारती का नाम है इसको अलग तरीके से स्पेल किया जाता है, कोई THI लिखता है एंड में, कोई इसको TI लिखता है, और कोई BHARATI लिखता है, तो कैसे भी लिखो आप इसको भारतीय, हमारा 2015 में यहाँ पे ये सेट किया गया है यहाँ पे परमानेंट स्टेशन, राइट। तो यहाँ पे हमने बात की एंटार्क्टिका ट्रीटी से इंडिया कैसे रिलेटेड है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हाई एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका।